ओके वेलकम स्टूडेंट इन सोशल स्टडी क्लास ऑफ फिफ्थ चैप्टर वन आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ एक्सरसाइज भी कराई जा चुकी है। अब बारी है वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम नो योर प्लेनेट डेट और हेडिंग में वर्ड एंड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज रॉकी। रॉकी मीन्स मेड अप ऑफ रॉक। रॉकी स्पेलिंग आर ओ सी के वाई मीनिंग मेड अप ऑफ रॉक। मेड एम ए डी ई मेड यू पी अप ओ एफ ऑफ आर ओ सी के रॉक। सेकेंड वर्ड इज यूनिक। यूनिक मीन्स ओनली वन। यूनिक मीन्स ओनली वन। एटमोसफियर। एटमोसफियर मीन्स द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। नेक्स्ट प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स अ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट और पाथ। एलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड अ स्टार यानी प्लैनेट ऐसी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी स्टार के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में एलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती रहती है। जैसे सन एक स्टार है और हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है क्योंकि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज सराउंडेड। सराउंडेड मीन्स कवर्ड। कवर्ड विथ ऑल अराउंड या ऑल अराउंड किसी चीज़ के चारों तरफ को बोलते हैं सराउंडेड। स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स ग्रुप। स्पीसीज मीन्स ग्रुप। कॉन्टिनेंट वेरी लार्ज लैंडमार्क। जैसा कि चैप्टर के पढ़ाने के समय बताया गया था कॉन्टिनेंट मीन्स अ वेरी लार्ज लैंडमार्क विच इज सराउंडेड बाई ओशियंस या बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो कि चारों तरफ सागर से घिरा हुआ हो। वेरियस मीन्स मैनी। लिव्स मीन्स स्टेड। सिचुएटेड मीन्स लोकेटेड। कनेक्टेड मीन्स जॉइंट। एटलस कलेक्शन ऑफ मैप्स। कलेक्शन ऑफ मैप्स। सब मरीन। सब मरीन मीन्स अ ट्रांसपोर्ट विच मूव अंडर वाटर। समुद्र के बीच में से कोई जो रास्ता निकाला जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए उसको बोलते हैं सब मरीन। इसके बाद आपको करने हैं तो बेटा इनको पॉज करके आप सारे मीनिंग साफ साफ लिखेंगे अपनी अच्छी राइटिंग में। उसके बाद शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर मैं कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये हेडिंग है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द थ्री थिंग्स दैट मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। PLANET। नेम द थ्री थिंग्स दैट मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। आंसर इज द अर्थ इज अ ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर एटमॉस्फेयर एंड द राइट टेम्परेचर फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। द अर्थ इज अ ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर एटमॉस्फेयर एंड द राइट टेम्परेचर फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। सो द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर टू थ्रू विच कॉन्टिनेंट्स सेंटर
through which continent's center does the equator pass? Through which continent's center does the equator pass? Answer: the equator passes through the equator passes through the center of Africa. The center of Africa. The equator passes through the center of Africa. Next question, question number 3. Name the coldest landmass on the earth. Answer is, the Antarctica is the coldest landmass on the earth. The Antarctica is the coldest landmass on the earth. Next, question number 4. In which hemisphere is the Arctic Ocean situated? Question number 4 is, in which hemisphere is the Antarctic Ocean situated? Situated means located. Answer: the Arctic Ocean is located in the Northern Hemisphere. The Arctic Ocean is located in the Northern Hemisphere. And the question number 5th, short answer, question number 5th, name the world's second largest ocean. Name the world's second largest ocean. Answer is, the Atlantic Ocean is the world's second largest ocean. The Atlantic Ocean is the world's second largest ocean. इसके बाद बेटा पॉज कर करके सारे आंसर एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, और इसके बाद लॉन्ग आंसर में देखें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? आंसर, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, बिकॉज नंबर 1, इट इज द ओनली प्लैनेट नो टू हैव लाइफ. नंबर 1, इट इज द ओनली प्लैनेट नो टू हैव लाइफ. नंबर 2, इट इज द only planet whose atmosphere contains 21% oxygen. It is the only planet whose atmosphere contains 21% oxygen. Point number 3, ये question number 1 का third point है, question number 1 का answer इसके 3 point है. तो point number 3, it is the densest planet and about 70% of its surface is covered with water. It is the densest planet and about 70% of its surface is covered with water. Question number 2.
क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ एंड नेम ऑल ऑफ देम. दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्वेश्चन. वन, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट. सेकेंड, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ. एंड थर्ड, नेम ऑल ऑफ देम. राइट क्वेश्चन, राइट आंसर्स, सॉरी. द वेरी लार्ज लैंड मासेस विच आर मोस्टली सराउंडेड बाय मेजर वाटर बॉडीज. द वेरी लार्ज लैंड मासेस विच आर मोस्टली सराउंडेड बाय मेजर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. ये नंबर वन का आंसर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट का. इसका क्वेश्चन था व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का ही हो गया. सेकेंड वन इज हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ. देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. एंड लास्ट वन, नेम ऑल ऑफ देम, नेम ऑल ऑफ देम. तो ये नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे आर कॉन्टिनेंट. इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे आर नंबर वन अफ्रीका, नंबर टू एंटार्क्टिका, नंबर थ्री एशिया, फोर ऑस्ट्रेलिया, फाइव यूरोप, सिक्स नॉर्थ अमेरिका एंड सेवन साउथ अमेरिका. नंबर वन अफ्रीका, नंबर टू एंटार्क्टिका, नंबर थ्री एशिया, नंबर फोर ऑस्ट्रेलिया, नंबर फाइव यूरोप, सिक्स नॉर्थ अमेरिका एंड सेवन साउथ अमेरिका. तो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिस्क्राइब एंटार्क्टिकाज लोकेशन एंड इट्स फीचर. डिस्क्राइब एंटार्क्टिकाज लोकेशन एंड इट्स फीचर. आंसर इज एंटार्क्टिका इज फिफ्थ इन द टर्म ऑफ साइज. लिसन केयरफुली, एंटार्क्टिका इज फिफ्थ इन टर्म ऑफ साइज एंड इज द कोल्डेस्ट लैंड मास, एंड इज द कोल्डेस्ट लैंड मास. इट हैज नो रेप्टाइल, इट हैज नो रेप्टाइल. This continent is the southernmost landmass on the earth. This continent is the southernmost landmass on the earth. It has no permanent residents as 90% of it is always covered with ice, which gives it the name of white continent. White continent, Antarctica का एक नाम white continent भी है, क्योंकि यहाँ पर 90% बर्फ जमी रहती है, बर्फ से कवर्ड रहता है. तो यहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है. तो बेटा इसको पॉज करके ध्यान से पूरा आंसर एकदम अच्छी राइटिंग में और सही स्पेलिंग में लिखेंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज विच इज द smallest continent, which is the smallest continent, which
यूनिक एनिमल्स लाइव देयर, विच यूनिक एनिमल्स लाइव देयर? आंसर, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. कंगारू, कोआला, डिंगो, वेलाबाय एंड वॉम्बैट आर द यूनिक एनिमल्स लाइव देयर. लिसन अगेन, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. कंगारू, कोआला, K-O-A, K-O-A-L-A, कोआला, डिंगो, D-I-N-G-O, डिंगो, वेलाबाय एंड वॉम्बैट आर द यूनिक एनिमल्स लाइव देयर. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज डिस्क्राइब लोकेशन, बाउंड्रीज एंड एरिया. लोकेशन, बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन. मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ दिस ओशन. इसमें भी एक साथ कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें पैसिफिक ओशन का सबसे पहले लोकेशन, फिर बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन, फिर मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ दिस ओशन. तो सबसे पहले लोकेशन में आप लिखेंगे द पैसिफिक ओशन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन. द पैसिफिक ओशन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द साउदर्न ओशन इन द साउथ. द पैसिफिक ओशन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू द साउदर्न ओशन इन द साउथ. बाउंड्रीज, सेकेंड हेडिंग इज बाउंड्रीज. इट इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड द अमेरिकाज इन द ईस्ट. अमेरिकाज मीन्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. अमेरिकाज मीन्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो लिसन अगेन, इट इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड द अमेरिकाज इन द ईस्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज फीचर्स. टू फीचर्स पूछा गया, तो टू फीचर में टू पॉइंट करके लिख देंगे. नंबर वन, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. तो इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन. नंबर टू, द मेरियाना ट्रेंच, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, केवल द मेरियाना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. द मेरियाना ट्रेंच अंडरलाइन कर लेंगे ट्रेंच तक, फिर आगे, इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. तो इस तरह से ये टू फीचर्स इसके हो गए, नंबर वन एंड नंबर टू. बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर का आपका सारा वर्क कंप्लीट हो गया. वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर सभी आपको लिखवा दिए गए हैं. तो जहाँ इनके क्वेश्चंस के आंसर या एक्सरसाइज कराई गई है या मीनिंग कराए गए हैं, वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर करके सारा वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. और ध्यान रखेंगे
स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का, जहाँ आंसर में कैपिटल लेटर लिखा गया है वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे अर्थ में ई कैपिटल होगा हमेशा, तो ध्यान से राइटिंग सही करके जैसे लिखाया गया है वैसे ही आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है। और इसके बाद चैप्टर वन के बाद नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर टू शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ लें, अगर बुक नहीं है तो आप अपने जो वेबसाइट पर आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर ऑनलाइन क्लास पहुंचने से पहले आपकी क्लास, जब क्लास में आप जाते हैं तो वहां पर बुक भी दी हुई है ऊपर, तो किसी भी बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ में आपकी क्लास वाइज कुछ बुक्स हैं, अगर उसमें एसएसटी की बुक है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लें, अगर बुक नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कर लें और उससे भी आप बुक रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपकी क्लास अब ओवर होती है। Thanks, bye.